नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपकी तो बल्ले बल्ले। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी कुंडली के सबसे घातक दोष अब समाप्त हो चुके हैं और इनका असर अब आपके आने वाले 6 दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले अगले 6 दिनों के अंदर बदलते ग्रहों की चाल के साथ साथ आप सभी के जीवन काल में जो जो बदलाव होने वाले हैं, जो जो बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है, सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी दोस्तों, तो दोस्तों आपके जीवन काल में वह बड़ी खुशखबरियाँ कौन सी हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, जानने के लिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि आने वाले 6 दिनों के अंदर जो ग्रहों की चाल होगी, इनके साथ आपको कौन से क्षेत्रों को लेकर सावधान भी रहने होंगे, कौन कौन से कार्य आपके लिए लाभकारी होंगे, किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, ग्रहों की ये चाल आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में क्या क्या बदलाव, कौन से सुधार करने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का और अपनी माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो मित्रों जरूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में आप आराम करने तथा हल्के फुल्के मूड में रहेंगे। ग्रह गोचर आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः आपके पक्ष में होंगी और दोस्तों आपके आय मार्ग में प्रास्तेस में होंगे। दोस्तों नजदीकी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत भी होगा और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी यशमय विचार विमर्श होने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों यशमय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय जो है संयुक्त परिवार में अलगाव जैसी बातों पर विचार विमर्श होगा, कुछ वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे धैर्य बनाकर रखना आपके लिए उचित रहेगा। घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रह सकती है। और इसके उपरांत आपके लिए समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि युवाओं द्वारा जरूरत से अधिक पैसा खर्च भी हो सकता है। पैसे को संभालना और योग्य तरीके से खर्च करना, इनमें आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों जिन लोगों को आर्थिक विषय में अधिक प्रगति की अपेक्षा है दोस्तों, उनको योग दिशा में अपनी मेहनत लाने की आवश्यकता इसमें होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों हर एक बात पर अधिक ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी, तभी जाकर अपने काम को गति में ला पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि यश में अधिकतम समय सामाजिक तथा बाहरी गतिविधियों में व्यतीत होगा। अचानक से कोई महत्वपूर्ण काम बनने से मन में भी प्रसन्नता बनी रहेगी। प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा के लिए प्रयास विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें कभी कभी आप जो है आपके गुस्से व फिर गलत शब्दों के प्रयोग का नकारात्मक असर आपके जो है बच्चों पर भी पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों अपनी बोलबाज में उचित शब्दों का चयन करें। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपके जिद्दी स्वभाव के कारण आप मनचाही बात को मना पाएंगे, लेकिन दोस्तों इसकी वजह से किसी को आप जो है गहरी चोट भी पहुंचा सकते हैं। अपने शब्दों का इस्तेमाल करते समय ध्यान देना होगा। दोस्तों आपको मिले हुए ज्ञान और अपनी क्षमता की वजह से आपका अहंकार भी इसमें बढ़ रहा है, तो दोस्तों इन पर ध्यान रखें क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि यह समय मिला जुला प्रभाव देने वाला समय होगा। दोस्तों यह समय दोपहर के बाद पूर्णतः स्थिति जो है अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को भी आशा के अनुरूप परिणाम मिलने से आप जो है तनाव मुक्त यश में महसूस करेंगे। जरूरत पड़ने पर आपको अपने शुभचिंतकों से उचित मदद भी मिलने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें दिन की शुरुआत में कुछ परेशानियां भी रहने वाली है, परंतु दोस्तों जल्दबाजी व फिर भावुकता में कोई भी निर्णय ना लें, इनकी वजह से बना बनाया हुआ काम भी बिगड़ सकता है। वाहन या फिर महंगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने से खर्चे भी आ सकते हैं। और दोस्तों इसके उपरांत आपके लिए समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि परिवार में कोई उच्च शिक्षण या फिर विदेश में नौकरी करने की अपेक्षा रखता है, तो दोस्तों उसके लिए कोई जो है सहायता की जरूरत हो सकती है। दोस्तों यश में दूसरों की आर्थिक सहायता करने से पहले अपनी परिस्थिति को भी जान लेना आपके लिए जरूरी होगा। दोस्तों परिवार के लोगों के साथ मानसिक स्वरूप से जुड़े रहने की आप कोशिश करते रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें
कि दोस्तों कुछ समय से जिस सुकून की तलाश आप कर रहे थे दोस्तों वह यश में हासिल हो जाएगा और आप आत्मचिंतन द्वारा अपने जीवन शैली में सुधार लाने की चेष्टा भी करेंगे। दोस्तों घर के निर्माण संबंधी कोई रुका हुआ कार्य भी पूरा हो सकता है, तो दोस्तों उन्हें आप दोबारा शुरू करने का जो समय होगा उचित समय होगा। और इसके उपरांत यश में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल्दबाजी में लिए हुए कोई भी निर्णय गलत हो सकता है। आपके कुछ सपने अधूरे रहने की वजह से मन में थोड़ी सी उदासी भी रहेगी। दोस्तों ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति पर आप उस हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं वही व्यक्ति के साथ विश्वासघात भी हो सकता है। और इसके उपरांत आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि जिस बात की प्रगति की आपको अपेक्षा भी यश में नहीं थी ऐसी बात में प्रगति आपको नजर आएंगी। परिवार में खुशहाली भरा वातावरण बना रहेगा, भाई बहन में संबंध सुधरने लगेंगे, प्रॉपर्टी से जुड़े सभी विवादों में भी जो भी समस्या थे उनका निपटारा होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में आप किसी नए कार्य की रूपरेखा तैयार करने में भी सक्षम रहेंगे तथा मनोबल परिणाम भी यश में आपको हासिल कर पाएंगे। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे सिर्फ अपने कार्यों से संबंधित गोपनीयता का पूर्ण ध्यान रखें। दोस्तों यश में आप आर्थिक मामलों में कुछ तंगी भरा जीवन भी रह सकता है, यानी दोस्तों पूर्ण रूप से आप यश में संतुष्ट उतना नहीं हो पाएंगे जितना आप आर्थिक समस्याओं को हल करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यश में ध्यान को केंद्रित रखना चाहिए, भविष्य को लेकर आप नई योजनाओं को बनाएं और भविष्य में आप अच्छी सफलताओं को प्राप्त करने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि व्यवसाय गतिविधियों में कुछ मंदी रहने वाली है, परंतु सहकर्मियों का उचित सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखेगा। यह समय कार्य क्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाने की भी जरूरत होगी। दोस्तों सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि ना लें, कोई इंक्वायरी आदि भी हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय के नजरिए से समय धनदायक भी रहने वाला है। अपने काम पर जो है आप पूरी तरह से ध्यान को केंद्रित रखें, आपको महत्वपूर्ण अनुबंध यश में प्राप्त होने वाले हैं। नजदीकी मित्रों के सहयोग से आप जो अपने अधिकतर काम को पूरे करने में भी सक्षम रहेंगे। दोस्तों पहली इनकम मिलने से युवा वर्ग का और अधिक आत्मविश्वास और समय बढ़ने वाले हैं और अपने ध्यान को भी आप काम के प्रति केंद्रित यश में कर पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय में यश में मुनाफादायक स्थितियां बनी हुई है, इसलिए दोस्तों इधर उधर की बातों में ना उलझकर अपने कार्यों पर आप पूरा ध्यान को रखें। दोस्तों सहयोगियों और कर्मचारियों की सलाह बेहतरीन साबित होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को यश में अचानक कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में व्यक्तिगत समस्याओं का असर पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा। धैर्य और संयम बनाकर रखें, प्रेम संबंध मर्यादित रखना आपके लिए इसमें जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहेगा, परंतु व्यस्तता की वजह से आप अपने परिवार को अधिक समय भी इसमें नहीं दे पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि दिन भर की व्यस्तता के बाद पारिवारिक सदस्यों के साथ समय व्यतीत करना सारी थकान को भुला देगा, परंतु पति पत्नी में कोई नोक झोंक भी संभव है। तो दोस्तों इनसे अगर आप बचना चाहते हैं तो यश में अपने वाणी पर संयम रखें। और इसके उपरांत यश में अगर आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि पति पत्नी में आपसी सामंजस्य का भी अभाव रहेगा, जिसका असर घर परिवार पर भी पड़ सकता है। व्यर्थ की मौज मस्ती से यश में दूर रहें, ये आपके लव लाइफ के लिए और आपके पारिवारिक जीवन के लिए अति उत्तम होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों स्त्रियों को जोड़ों में दर्द या फिर स्त्री जनित रोगों की वजह से परेशानी रह सकती है। काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी आपको इसमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत इसमें सर्वाइकल व फिर कंधों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, व्यायाम और योगा इसका उचित इलाज होगा। तो दोस्तों इन्हें पर आप जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए जो होंगे आपको बता दें कि स्वास्थ्य अंत में ठीक होगा, सिर्फ गलत खान पान की वजह से गैस व फिर एसिडिटी जैसी कुछ समस्या भी रह सकती है। दोस्तों यश में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति आपको बिना किसी कारणों से आपको परेशान करते रहते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं आपको चिढ़ाते रहते हैं या फिर आपके परिवार को या फिर आपके
घर के किसी सदस्यों को परेशानियों में डालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यशु में आपको यशु में कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों यशु में आपको शनिवार की रात्रि को 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार उसका नाम बोलकर फूंक मारें और अगले ही दिन रविवार को इनको आप आग में जला दें। यह प्रयोग लगातार आप 7 बार करें। इससे दोस्तों अभीष्ट व्यक्ति का वशीकरण होता है। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा होता है तो दोस्तों वह शांत भी हो जाएगा। दोस्तों इन उपायों को आप जरूर करें, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि ये उपाय आप केवल अपने शत्रु जो आपको परेशान करते हैं उनके लिए करें, लेकिन दोस्तों अपनी बुरी भावना अथवा किसी के अहित करने के लिए इन उपायों को आप बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ दोस्तों, और शादी दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।